चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को क्लीन चिट दी। आयोग ने कहा कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा में हुई चुनावी रैली में दिए भाषण में राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। आयोग ने डीओ जबलपुर के द्वारा भेजे गए भाषण की प्रतिलिपि को देखने के बाद यह निर्णय लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आयोग ने नोटिस जारी किया। योगी ने 19 अप्रैल को संभल में हुई चुनावी रैली में बाबर की औलाद जुमले का इस्तेमाल किया था। आयोग ने 24 घंटे में योगी से इस पर जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने शाह के बेटे को बताया था जादूगर। 23 अप्रैल को जबलपुर जिले के सिहोरा में हुई सभा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या का आरोपी और उनके बेटे को जादूगर बताया था। भाजपा ने इसकी शिकायत आयोग से की थी। राहुल ने भाषण में कहा था, हत्या के आरोपी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह वह क्या शान है, क्या आपने जय शाह का नाम सुना है, वह तो जादूगर है, उसने 3 महीने में 50,000 से 80 करोड़ रुपए बनाए। वाघेला ने कहा, गोधरा की तरह पुलवामा हमला भी भाजपा की साजिश। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राकांपा नेता शंकरसिंह वाघेला ने पुलवामा हमले को भाजपा की साजिश बताया है। उन्होंने बुधवार को यहां मीडिया से बातचीत में कहा, पुलवामा आतंकी हमले में RDX ले जाने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर गुजरात का था। गोधरा कांड भी भाजपा की साजिश थी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद का सहारा लेती रही है। राहुल ने कहा था, मोदी सरकार आदिवासियों को गोली मारने वाला कानून लाई। चुनाव आयोग ने दिया नोटिस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, इस पर उन्हें 48 घंटे में जवाब देना है। दरअसल राहुल ने 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश में शहडोल की चुनावी सभा में केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी ने एक नया कानून बनाया है जिसमें एक लाइन है कि आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है, जनजातियों पर हमले किए जाएंगे, आपकी जमीन ली जाएगी, आपका वन लिया जाएगा, आपका पानी छीना जाएगा,